हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज अ क्विक वीडियो रिगार्डिंग अ क्विक अपडेट ऑन द निर्मा यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सो अर्लियर निर्मा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 15th of May, बट अब यहाँ पे 10 दिनों का आपको एक्सटेंशन देखने को मिल गया है निर्मा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। जैसे कि ऊपर पढ़ पा रहे होंगे, निर्मा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन A+ ग्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब ये किसके लिए होने वाला है? दिस इज जस्ट फॉर द BTech, दिस इज नॉट फॉर द MTech, दिस इज नॉट फॉर द MBU, दिस इज जस्ट फॉर द टेक्नोलॉजी ब्रांच और वो भी पर्टिकुलर BTech। कौन कौन सी ब्रांच आ जाती है इसमें? सबसे पहले स्टार्ट होता है केमिकल इंजीनियरिंग से, फिर आता है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कुल यहाँ पे 3, 6 और 7 ब्रांच की यहाँ पे मिला के हर एक ब्रांच के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अलावा भी दो तरह के कोर्सेस है यहाँ पे। पहला हमने कर दिया BTech, उसके बाद कौन सा है, बैचलर ऑफ साइंस CSE। यहाँ पे क्या होता है, 2+2 ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे आपको दो तरह की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप BTech CSE विद MBA, यानी कि ये पूरा होता है 5 साल का प्रोग्राम। अब आप नॉर्मली देखना चाहो ना, तो इंजीनियरिंग के होते हैं 4 साल और MBA के होते हैं 2 साल, तो 4+2 × हो गया 6। तो बट यहाँ पे निर्मा यूनिवर्सिटी में एक इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है BTech CSE प्लस MBA, यहाँ पे आपका 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो इसमें भी आप एडमिशन कंसिडर कर सकते हो। वॉट इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाई? इट इज द 25th of May 2023 इज द लास्ट डे फॉर एग्जाम। यहाँ पे कुछ हाइलाइट किए हुए पॉइंट्स लिखे हैं कि जिसमें है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ऑल द UG प्रोग्राम्स आर NBA एक्रीडिटेड, तो ये भी अच्छी बात है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन जो है उसमें से हर एक प्रोग्राम को यहाँ पे एक्रीडिटेशन मिला है, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात है। उसके बाद है एट्रेक्टिव स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, तो ये भी अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है। उसके बाद है एक्सीलेंट प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज ऑफर इज 50 LPA फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पिछले ही साल यहाँ पे 50 लाख का पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ था। और लास्ट में है कि हाईली रैंक्ड बाय वेरियस रैंकिंग एजेंसीज, मतलब दूसरी जो भी एजेंसीज होती है उसकी ओर से भी यहाँ पे कॉलेज को काफी अच्छे रैंकिंग मिले हैं। तो ओवरऑल निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में काफी पॉजिटिव यहाँ पे रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप निर्मा यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक डायरेक्ट एडमिशन, देन द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन इज 25th of May। अर्लियर इट वॉज जस्ट 15th of May, बट यहाँ पे आपको 10 दिनों का एक्सटेंशन मिल गया है। तो अब आप यहाँ पे 25th May तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ना करना हो और ACBC से करना हो तो कर सकते हो, तो इसका आंसर है जरूर से आप कर सकते हो। ACBC से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, डायरेक्ट इन द सेंस कि उसके अंदर जो भी प्रोसेस फॉलो होगी ACBC की, वो यहाँ पे पूरी प्रोसेस फॉलो होगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली निर्मा में ही एडमिशन मिलेगा, जबकि वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग के अंदर लिस्ट करनी होगी, मॉक राउंड होगा, तो वो मतलब ATN दोनों राज से पहुंचते तो एक ही जगह पे है, बट यहाँ पे किसी में भी नहीं आपको मिलेगा कि नहीं। एट द एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर मेरिट, ऑलराइट। सो या फॉर एप्लीकेशन एलिजिबल एंड अदर डिटेल्स रिफर टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बारकोड भी दिख रहा है, तो आप वीडियो को पोज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ पे कोई भी गूगल लेंस की मदद से आप इसको स्कैन करके यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन कर सकते हो, ऑलराइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।